ये राम मंदिर पे खुश रहने का जो इनका एजेंडा है तो ये चला रहे हैं। छात्र कभी राम मंदिर से खुश नहीं होते, हमें जॉब चाहिए, हमें भूखमरी से आज़ादी चाहिए, जो गरीब छात्र पढ़ रहा है उसे इस चीज़ों से आज़ादी चाहिए। हमें मंदिर का घंटा नहीं बजाना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें आगे बढ़ना है और इस देश को कई नोबेल पुरस्कार दिलवाने हैं। ये उन्हें क्यों नहीं दिखता है? आप डिबेट में भी देख लीजिए ना, न्यूज़ में जितना चलता है आपका 80-80 डिबेट हो जाता है राम मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदुस्तान पे, पाकिस्तान पे, जॉब पे एक भी क्यों नहीं, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उस पे क्यों नहीं? क्योंकि इसके ऊपर आप बात करेंगे तो लोग आपसे सवाल पूछ देते हैं, सवाल खड़ा करते हैं इस करंट रिजीम पे, इससे इनको दिक्कत है। इनके पास करोड़ करोड़ है ना, लाख लाख है, वो 100 रुपए का दर्द नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ देखिए, हम 100 रुपए भी कमाते हैं ना तो एक अजीब सी खुशी होती है हमारे ऊपर। आपको, आपके लिए 1000 लाख बहुत कम होंगे पर हमारे लिए 100 रुपए भी बहुत ज्यादा है। ये 10 रुपए और 300 रुपए की लड़ाई नहीं है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। क्योंकि अगर शिक्षा हमें नहीं मिली तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम IAS IPS प्रोड्यूस करेंगे, कैसे इस देश के चलाने वालों को प्रोड्यूस करेंगे, कैसे नेता प्रोड्यूस करेंगे, कैसे एक जिम्मेदार दृढ़ नागरिक पैदा करेंगे। मीडिया आ गई है ना तो ये लोग बहुत ही शांत दिखा रहे हैं। घसीट घसीट के बस में ऐसे धक्का मार के उस छात्र को देखिए, उसका पूरा हाथ कटा हुआ है, लड़की के कपड़े खींचे हैं दिल्ली पुलिस के पूरे मेल कांस्टेबल ने, समझ रहे हैं? इस तरीके से हमारे जो है आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही, और हम दबेंगे नहीं, अंतिम तक लड़ेंगे। ये बाजारीकरण शिक्षा का नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये कुछ छात्राएँ जो है बैरिकेडिंग कूद कर आई हैं, उनको डिटेन करने के लिए बस में लेकर जाया जा रहा है। छात्रों को जो है डिटेन कर लिया जा रहा है, कुछ तबीयत खराब हुई है। और दिल्ली पुलिस हाय हाय, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आराम छोड़ो, छोड़ो, आराम, शाबाश सर, सर इतनी सैलरी है तुम्हारी, तुम पीएचडी करा लोगे? इतनी सैलरी है किधर, तुम इसे किसको? क्यों मार रहे हो? पहले अपने चीजों में ना, ये सीआरआई के पास बहुत ही क्रूएल तरीके से लेके जा रहे हैं, बताओ हर के बनो सबको बंद कर दोगे? मारा है, इतनी जगह है आपके जेल में, इतनी जगह है आपके जेल में, आप सबको बंद कर दोगे? आप छात्र नहीं रहे हो, आपकी सैलरी है इतनी कि आप पीएचडी करा लोगे? क्या सस्ते एजुकेशन की डिमांड कर रहे हैं? इस देश क्राइम है क्या? हम वायलेंस कर रहे हैं, हम पीसफुली जा रहे हैं, आप लोग क्यों हमको परेशान कर रहे हैं? अरे रीढ़ की हड्डी बैठ चुके हैं। देखिए फिजिकली हैंडीकैप को कैसे पुलिस लेके जा रही है, कैसे मार रही है, मीडिया देखिए, देखिए मीडिया आराम से, आराम से बिल्कुल, शाबाश, आराम से, आराम से कुछ नहीं सर, स्टूडेंट से सब ख्याल रखना है हमको, स्टूडेंट इसीलिए सर, क्या हमारे जान ले लोगे तो फी हाइक जो हम पढ़ पा रहे हैं वापस चला जाएगा क्या? मैं JNU का पूर्व प्रेसिडेंट हूँ, जब ये लोग कह रहे हैं हम लोग चल रहे हैं आपको डिटेन ही करना है तो आप हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? लात मारते हुए पेट में सर पे अगर हमको कोई चोट आ जाए कौन जिम्मेदारी लेगा? यही दिल्ली पुलिस अपने न्याय के लिए दिल्ली पुलिस कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज उसी छात्रों के ऊपर सिविल ड्रेस में, देखिए घुमा के देखिए कैसे सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस काम कर रहा है। थोड़ा बहुत अगर इनके पास हो, हम इनके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनके बच्चों को भी शिक्षा मिले, कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च ना करें,
बल्कि ये आराम से देखिए वो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट के साथ क्या बदतमीजी किया, रो रहा है वो, देख लीजिए फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट के साथ दिल्ली पुलिस ने, उसने बोला कि दिल्ली पुलिस ने उसने मारा है तीन चार बार बोला था नहीं मारेगा और मुझसे तीन चार मुक्का दे दिया, वो लोग मजे ले रहे थे वहाँ जी। सर हम स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं, अरे पार्लियामेंट नहीं जाने दिया, देखो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और जो बैरिकेडिंग आप सामने देख रहे हैं, बैरिकेडिंग के ठीक उस तरफ जो है जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो JNU के स्टूडेंट्स हैं वो खड़े हैं और लगातार स्लोगन्स दे रहे हैं। और आज जो आह्वान JNU छात्रों ने किया था वो ये था कि JNU से लेकर के पैदल मार्च, ये देखिए ये स्टूडेंट्स जो है जो बैरिकेडिंग की तरह आ रहे हैं वो उन्हें डिटेन कर लिया जा रहा है। तो आज आह्वान किया था कि वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर के पार्लियामेंट यानी संसद मार्ग तक पैदल मार्च करने वाले थे और जो उनकी मांगे थी फीस वृद्धि को लेकर उसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन था वो करने वाले थे, पैदल मार्च करने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने पूरी तरीके से यहाँ पर रोक दिया गया है। ये जो छावनी है ये पुलिसकर्मी हैं उस बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं ताकि जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करके या पैदल मार्च करके ना आगे जा सकें। हमें नहीं रोका जा सकता, कहाँ तक रोकेंगे, कब तक रोकेंगे? हम JNU के छात्र हैं, कोई विपक्ष नहीं है कि जो डर के भागेंगे। हम JNU के छात्र ये दिखाएंगे कि जब पूरा देश एक तरफ एक ताकत की तरफ झुक रहा था तो ये JNU के छात्र थे, प्रतिभाशाली छात्र थे जो आज एडमिनिस्ट्रेशन में IAS है, PCS है, नोबेल पुरस्कार ला रहे हैं। ये छात्र कोई देश विरोधी नहीं है, ये छात्र मेहनती हैं, रात में पढ़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं अपने अधिकार के लिए। हम हार नहीं मानेंगे जब तक ये शिक्षा का व्यापारीकरण JNU में बंद नहीं होगा, और सिर्फ JNU में नहीं पूरे देश में बंद नहीं होगा। देखिए ये जिस तरह से फी हाइक की जा रही है सीधा सीधा कोशिश है कि पिछड़े वर्ग से जो लोग आते हैं और जितने भी डिप्राइव सेक्शन से उससे जो बच्चे यहाँ पढ़ पाते थे एंड वो अपना हक यहाँ मांगते थे यहाँ आने के बाद पढ़ने जानकारी के बाद, उनको सीधे सीधे इस एजुकेशन से कट आउट करने की कोशिश है। ये सीधा सीधा यहाँ से इस जगह से हमारा प्रोटेस्ट जो पार्लियामेंट स्ट्रीट तक जाने वाला था उसको डिविएट करने की कोशिश है ताकि हम अपनी बात वहाँ तक नहीं रख पाए। आपके सामने जिस तरह हटाया जा रहा है थोड़ा पीछे, ये आप देख सकते हैं कि प्रशासन जो है एकदम सख्ती बरते हुए है और प्रोटेस्टर्स को हटा दिया गया है। यहाँ पर आकर कुछ छात्र अब बैठ चुके हैं, छात्र छात्राएं, और ये जो कार्रवाई आप देख सकते हैं प्रशासन की, पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर लगातार सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। छात्र जो है वो अपने ऊपर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं और गलत व्यवहार करने का, छात्राओं ने गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया है। बैरिकेडिंग के बाहर की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और उस तरफ जो है छात्रों का हुजूम, JNU के छात्र जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद मार्ग पर जाने की जो उनकी मांग थी पुलिस ने यहां पर उनको रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। इस तरफ जो है दिल्ली पुलिस है और उस तरफ JNU के छात्र हैं। ये सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा ये सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है। जितनी भी महिला साथी वहाँ पर गई थी प्रोटेस्ट में आगे थी उनको सुइयां चुभ हो गई हैं वहाँ पर आगे से बैच निकाल करके। एक महिला जो सिविल ड्रेस में थी ब्लेड मार रही थी, सिर्फ यही नहीं दो महिला साथी हमारा हाथ, दो महिला जो थी वहाँ पुलिस कांस्टेबल वो हमारा हाथ पकड़ी है और एक मेल पुलिस हमारे छाती पे हाथ डाला है। ये सब हुआ है। हम भी जो है इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए इसमें शामिल होने के लिए आए हैं क्योंकि आज का जो मार्च है वो आम नागरिकों का और JNU के पुराने स्टूडेंट का मार्च है। तो आम नागरिक होने के चलते और पुराने स्टूडेंट होने के नाते मैं इस मार्च में शामिल होने के लिए आया हूँ क्योंकि हमारा मानना है कि जिस तरीके से JNU में फीस वृद्धि की गई है प्रत्येक स्टूडेंट को सालाना 65,000 से 70,000 रुपया देना पड़ेगा, जबकि JNU का आंकड़ा ये बताता है कि 100 में से 40 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके परिवार की सालाना आमदनी 1 से 1.5 लाख रुपये है। तो जो परिवार 1 से 1.5 लाख रुपया कमाता है वो अपने एक बच्चे पे 70,000 रुपया सालाना नहीं खर्च कर सकता है। तो सीधे तौर पे इस देश के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनको शिक्षा से वंचित रखने के लिए, उस शिक्षा व्यवस्था से बाहर रखने के लिए ये एक नई साजिश रची गई है। महाभारत के काल में द्रोणाचार्य ने एकलव का अंगूठा काट लिया था,
आज जो है ये लोग फीस बढ़ा करके उस तबके के लोगों को शिक्षा से बाहर कर देना चाहते हैं।